थैला भी ले आइए, थैला बारे आके नीम का मेरा तो देखो आप गांव वालों से हाथ जोड़ के निवेदन यही है कि अगर इस प्रकार के कोई सांप वगैरह नाग निकलते हैं तो उनको मारे नहीं, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा मित्र है ये, चूहों की आबादी को कम करता है। अरे हम नंबर नंबर दे देंगे आप। देखो ये जब पैदा होता है तो हाई प्रोटीन जहर लेके पैदा होते हैं। ये हाई प्रोटीन जहर होता है, न्यूरोटॉक्सिन जहर, केवल एक घंटे में और एक घंटे के अंतराल में आदमी को खत्म कर सकता है। जहर लेके उनको परमात्मा ने दिया है, जीवन भी उसने दिया है। डॉक्टर को मारने का कहीं असर नहीं बनता, मारना किसी समस्या का कोई समाधान नहीं है। और आपको पता नहीं होगा शायद, बड़ी से बड़ी बीमारियों की जो दवा है ना, इसके जहर से ही निर्मित होती है कैंसर तक की बीमारियां। मारना गलत है, मिथ्या है। जीव जंतु है, आ जाते हैं भूले भटके, ये कोई अपनी इच्छा से नहीं आते। दो ईटे ले जाओ, दो ईटे ला जाओ, भाई साहब ईट ले आओ, ईट ले आओ, ईट ले आओ, हाँ दो दो ईट ला जाओ। अरे आ रोटी मन्नू देगा मतलब छोड़ दिया, अभी पकड़ भी लिया। अरे कौन नहीं नहीं जाएगा ही नहीं, ले गए ये देखो कैसे भागकर पकड़े। दोस्त आ गया, शानदार जाओ कौन है बुआ, जाओ एकमात्र सांप ऐसा सांप जो आदमी के डर के सामने खड़ा हो जाता है, किसी और के डर के भगने वालों में से नहीं है। अभी ये पूर्णता विश्वास में आ जाएगा, जब ये पूर्णता विश्वास में आ जाएगा तो अपना भी थैले में चल जाएगा ये। अभी इसके साथ अगर जबरदस्ती करेंगे थैले में नहीं जाएगा ये। हमारी सालों की ट्रेनिंग है साहब, 15-20 साल हो गए काम करते, हम तो मालूम है इनके साथ कैसे ट्रेड करना है। सुंदर तो दिखाओ सी इसको, बोलो तेरी फोटो खींचता ना तो। अरे ये मैं भी आपके सामने कैमरा में जीव जंतु साहब आ जाते हैं, बाकी इनको मारने कोई हल नहीं है। और किसान का सबसे बड़ा हितैषी इको फ्रेंड है ये, दुश्मन भी है, क्योंकि चूहों की आबादी को यही कम करता है। नहीं तो चूहे और ये सांप प्रजाति केवल साल में एक बार अंडे देता है, 30 से 35, उनमें से कोई एक या दो ही विकसित होते हैं, कुछ अंडे खराब होते हैं, कुछ अंडों में से बच्चे पैदा होते हैं तो वो कुछ जीव जंतु के मारे जाते हैं या भूख से मर जाते हैं, तो कुछ एक या दो ये विकसित होते हैं। ये करीबन 3 से 3.5-4 साल का होगा सांप, बस
इनकी उम्र होती है 45 से 55 साल के बीच में, इससे ज्यादा नहीं जीते ये सब किससे कहानियों में कि 1000 बार जीता है 2000 बार जीता है, इच्छाधारी बन जाता है, कोई नागमणि है कोई कुछ नहीं, सब कुछ सब बेकार की बातें हैं। ये कभी नौगांव में धारणा होती है कि फोटो खींच लेता है, इसके फोटो का कोई मामला नहीं है कि इंसान हमने लाखों पकड़े लाखों छोड़े कईयों की पिटाई करके भेजना पड़ता है, परंतु ऐसा कोई बदले का वो नहीं होता क्योंकि इसके इसके अंदर बुद्धि नहीं होती, इसके ब्रेन में इतना बड़ा माइंड नहीं होता जो ये सोच सके बदलो कुछ ले कोई बदला बदला कुछ नहीं होता, सब बेकार की बातें, सब किस्से कहानी और फिल्मों के मामले हैं। इस जीव को बदनाम कर दिया है उन्होंने, किस्से कहानी और फिल्मों नंबर लो जंगल जाएगा अब तो सीधा, मेरा नंबर लीजिए 94 में 14 16 66। इसको पैक करते हैं शांत। ओहो क्या नाम लिख गाऊंगा, नींदड़दा से हमने शाप रेस्क्यू किया है, स्पेक्टिकल कोबरा जिला सवाई माधोपुर, और हम बजरिया सवाई माधोपुर से आए हैं और यहाँ से हम इसको रेस्क्यू कर रहे हैं, और आज ही इसको रणथंभौर की जो जंगल के पहाड़ियाँ हैं उसमें इसको रिलीज कर दिया जाएगा। इसको पैक करते हैं कितने नंबर बताना, 16 जुलाई 2020 को हमने नींदड़दा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सवाई माधोपुर से नाग रेस्क्यू किया है, स्पेक्ट्रल कोबरा है, और आज इसको रिलीज कर देंगे हम। और भारत सरकार के सामने जो समस्या चल रही है कोरोना अपने वायरस की, तो हमारा सबसे यही कहना है कि भारत सरकार के निर्देश के अनुसार अपनी दूरियां बना के रखें, सोशल डिस्टेंस रखें, चेहरे पर मास्क लगा के रखें, और दुआ करें ऊपर वाले से कि कोरोना जल्दी जल्दी हमारे भारत से दूर हो। इसी के साथ जय श्री राम, जय बालाजी की जय हिंद, जय भारत, और गर्व से कहेंगे हम सब मिलकर वंदे मातरम।